गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर इन केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट टू चेंजेस। देयर आर टू चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इन फिजिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड एंड इन अ केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल C+O2 gives CO2, means carbon plus oxygen gives carbon dioxide. Here the carbon dioxide is a new substance and it is called product. And C+O2 is reactant. Now we are going to study about characteristic of chemical reactions. So first characteristic is evolution of gas. Those reaction in which gas is evolved is called evolution of gas. For example, zinc plus sulfuric acid gives zinc sulfate and hydrogen gas. Here the hydrogen gas is evolved. So first characteristic is evolution of gas. यहाँ पर कोई जिस reaction में कोई gas बाहर की तरफ निकलती है। Next, formation of precipitate. तो formation of precipitate होता है। precipitate वो चीज होती है जो अपने आप को खुद से solution से अलग कर लेती है, चाहे तो वो साइड्स में लग जाती है, चाहे ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगती है, या फिर वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहां पर हम देखेंगे एक एग्जांपल, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस बेरियम क्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस बेरियम क्लोराइड, यहां पर हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां पे जो बेरियम सल्फेट है ये सॉल्यूशन में सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा, तो ये बनेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इट विल बिकम अ प्रेसिपिटेट। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन कलर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर में होता है, चेंज इन कलर में कलर चेंज हो जाता है। जैसे हम देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल। जैसे ही हम उसमें सिट्रिक एसिड गिरते हैं, सिट्रिक एसिड माने नींबू गिरते हैं, तो इट विल बिकम कलरलेस, तो वो पर्पल से कलरलेस हो जाता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसका कलर होता है पर्पल। जैसे ही हम इसमें सिट्रिक एसिड गिरते हैं, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है KMnO4 ये कलरलेस हो जाता है, ये हो जाता है हमारा कलरलेस, यानी इसका कलर चेंज हो जाता है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, तो आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, इट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में हम देखेंगे दो तरह की हमारी रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट रिलीज्ड होती है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, हम कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो इट विल बिकम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, तो इसमें से हीट निकलती है, यानी दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Now the fifth characteristic is change in state. Change in state का simple example है burning of candle. तो हमारी candle first of all solid होती है, फिर वो liquid बन जाती है, और उसके बाद वो burn होने के बाद gas हो जाती है। तो change in state में हम लिख सकते हैं example, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।